अरे आओ मेरे
बाप और माता। मेरा एक गोपाल भक्त है, मैं उसके लिए भोजन करने लिए जाता हूँ। हे प्रभु, क्या आपका भी कोई मुझसे बड़ा भक्त है? हाँ है। क्या हमको भी दर्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं, चलो। अब मेरे राम हम बनाते हैं कि चलो सबके लिए हो जाएगा।
पता चला। अरे हम क्या बड़े वाले गुरु जी ने बताया, बड़े मेरा परिवार बेटे आज चार सीट नहीं दूंगा तुझे, पांच दूंगा पूरे पांच। अरे झंझट क्या हो गया गुरु जी? हाँ आज इसको मैं पांच सीटें दूंगा। हाँ क्योंकि कमा के लाता है, इधर से उगा के लाता है, घर घर मांग के लाता है। पांच बेटा गोपाल दास तू नहीं समझेगा, यही एक संत है जो इस आश्रम को चला रहा है। अब तुम कहते हो कि चार व्यक्तियों का आश्रम, आपने कहा कि तुम्हारे पिताजी आएंगे, हाँ माताजी आएंगी, हाँ अब कल क्या हुआ तो चाचा जी भी आ गए। हाँ चाचा जी भी आ गए। और क्या मेरे लिए भोजन कम पड़ गया? बेटा तू झूठ तो नहीं बोलता है? अरे नहीं गुरुजी, परिवार तुम्हारे पास में आ गया। मैंने पहले कहा था गुरुजी मत इसको चेला बनाओ, पूरा परिवार खाने के लिए तुम्हारे घर है। अरे झंझटदास थोड़ा शांति रखो। गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल रहा तो ठीक है झंझटदास, इनको चार व्यक्तियों का सीधा सम्मान दे दिया जाए। ठीक है दोस्त और गोपाल दास बेटा लेकर के सीधा सामान जाओ, ये हमारे संत है ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे और समय से प्रभु का भोग लगाना पड़ता है। ठीक है गुरु जी, ठीक है जाओ। अरे झंझट दास गुरु जी हाँ अब ये तो ले गया, हाँ ले गया, लेकिन सीधा तो हमने दे दिया। हाँ लेकिन अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा बेटा झंझट दास हमें बुढ़ापा आ गया, आज तक हमने प्रभु का दर्शन नहीं किया और ये कह रहा है कि मेरे माताजी आती हैं, पिताजी आते हैं और भोजन करके चले जाते हैं।